साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो मुंबई जैसी चमचमाती नगरी में एक एरिया ऐसा भी है जहां गरीबी में 10 लाख लोग रह रहे हैं, जिसे स्लम एरिया कहा जाता है, जो कि भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, जहां लोगों के पास पक्के घर तो दूर की बात, टॉयलेट तक की सुविधा नहीं है, काम और रोजगार तो राम भरोसे है। मगर अब इसी इलाके को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में जंग शुरू हो गई है। धारावी के रीडेवलपमेंट प्लान को लेकर उद्धव ठाकरे बुरी तरह बौखला गए हैं और मीडिया को बुलाकर शिंदे सरकार को खरी खोटी सुनाई। वहीं शिंदे की तरफ से भी उद्धव को फटकार पड़ी। उद्धव ने धारावी के मामले में कांग्रेस से सपोर्ट मांगा तो कांग्रेस भी पीछे हट गई। तो क्या धारावी के बहाने उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में जीत की तरफ देख रहे हैं? क्या एक बार फिर से सियासत के दाव पेच में 10 लाख गरीबों की बलि चढ़ा दी जाएगी? आखिर क्यों अचानक धारावी को लेकर युद्ध शुरू हो गया? आपको बताते हैं सब। आपका धारावी के रीडेवलपमेंट को लेकर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान अडानी धारावी प्रोजेक्ट उनके निशाने पर रहा। ठाकरे ने कहा कि हम मुंबई को अडानी सिटी नहीं बनने देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा कि लाडली बहना और कई योजनाओं के नाम से जनता को आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। उद्योगपति गौतम अडानी पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मैं एक योजना के बारे में कहने आया हूं और वो योजना है लड़का उद्योगपति योजना। यहां पर उद्धव ठाकरे का सीधे सीधे निशाना धारावी में आ रहे प्रोजेक्ट को लेकर था। ठाकरे ने कहा, धारावी में हमने आंदोलन किया था, वहाँ के लोगों को 500 वर्ग फुट का घर मिलना ही चाहिए, हर घर में एक माइक्रो व्यापार चलता है, इसके लिए क्या उपाय किया जाएगा? ये मुंबई का नाम अडानी सिटी भी कर देंगे, इसकी कोशिश भी चल रही है, उसे हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, धारावी के लोगों को पात्र और अपात्र के चक्रियों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो हम धारावी के लोगों को दूसरी जगह नहीं बसाएंगे, धारावी में ही कारोबार की उचित व्यवस्था करेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारावी का विकास होना चाहिए, अडानी का नहीं। अगर अडानी ये सब पूरा नहीं कर सकते तो दोबारा टेंडर कराया जाए, ग्लोबल टेंडर निकाला जाना चाहिए और इसमें पारदर्शिता का पालन होना चाहिए। हम धारावी को अडानी को नहीं सौंप सकते। यहाँ आपको बता दे, आखिर अडानी धारावी प्रोजेक्ट है क्या? तो भारतीय अरबपति गौतम अडानी ने मुंबई के स्लम एरिया धारावी का कायाकल्प करने के लिए पहले बोली जीती थी। बीते साल सितंबर महीने में इस काम को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक नई कंपनी भी बनाई थी। खबर आई थी कि अडानी ग्रुप ने धारावी के पुनर्विकास के लिए ग्लोबल टीम का चयन किया है और इसके लिए मशहूर आर्किटेक्टर को जिम्मा सौंपा गया है, वो इस पूरे स्लम एरिया का रीडेवलपमेंट करेगी। गौतम अडानी के नेतृत्व में अडानी ग्रुप ने धारावी स्लम एरिया के रीडेवलपमेंट के लिए पिछले साल जुलाई में बोली जीती थी। महाराष्ट्र सरकार ने अडानी की $619 मिलियन की बोली को स्वीकार कर लिया था। धारावी स्लम न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के आकार के लगभग 3/4 है और इसका नजारा हॉलीवुड डायरेक्टर डैनी बॉयल की ऑस्कर विजेता 2008 की फिल्म स्लम डॉग मिलेरियम में भी दिखाया गया था। अडानी ग्रुप की ओर से धारावी के पुनर्विकास के लिए धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड नामक जॉइंट वेंचर के गठन को पुष्टि करते हुए बताया गया कि ये एरिया करीब 10 लाख लोगों का निवास स्थल है, यहाँ पर 10 लाख लोग रहते हैं। मुंबई के केंद्र में स्थित इस एरिया में हजारों गरीब परिवार तंग क्वार्टर्स में रहते हैं। इसमें उनके पास शुद्ध पानी और साफ शौचालय तक नहीं है। इसके रीडेवलपमेंट का काम दशकों से लटका हुआ है, राजनीति के चक्कर में फंसा हुआ है। इसका पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ा काम है जिस पर पहली बार 1980 के दशक में विचार किया गया था, लेकिन तब से सिर्फ विचार ही चल रहा है। इसके रीडेवलपमेंट का काम आज तक शुरू नहीं किया गया और अब शिंदे सरकार अडानी ग्रुप की मदद से इसका काम कराने जा रही है, तो एक बार फिर से इस पर सियासत हावी होती दिख रही है। सामने तो ये भी आया है कि उद्धव ठाकरे ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से पहले कांग्रेस नेताओं से भी इस संबंध में बोलने को कहा था, मगर कांग्रेस की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया, जिसके बाद उद्धव अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। अब आप समझ ही चुके होंगे कि 10 लाख लोग कितनी मुश्किलों से जीवन व्यापन कर रहे हैं। भले ही उद्धव ठाकरे की बात सही हो, मगर गरीबों को राजनीति से या अडानी से मतलब नहीं है, उन्हें तो उनके इलाके में पुनर्निर्माण से मतलब है, पक्के घर से, शुद्ध पानी से मतलब है। क्या वाकई में स्लम एरिया का विकास होना चाहिए या फिर गंदी राजनीति एक बार फिर से धारावी के गरीबों की बलि चढ़ा देगी? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लाडली बहन योजना सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री ने अब लाडली बहनों के बाद लाडला भाऊ योजना का भी ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान लाडली बहन योजना के लिए पूरे देश में सुर्खियां बटोर चुके हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि वो मध्य प्रदेश चुनाव में बाजी पलटने में सफल रहे थे। क्या ऐसा ही करिश्मा अब एकनाथ शिंदे भी कर पाएंगे? महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे पिछले 2 सालों से अपनी छवि बनाने में सफल दिख रहे हैं। ठाणे जिले में उनका वर्चस्व स्थापित हुआ है। हालिया सर्वे में भी सामने आया है कि ठाणे की 13 विधानसभा सीटों में ज्यादा महायुति को मिलती दिख रही है और इसकी वजह शिंदे सरकार का होना है। अब महाराष्ट्र बजट में घोषित लोक लुभावन योजनाओं के बल पर क्या महायुति सरकार वापसी कर लेगी? इस सवाल पर राज्य के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लाडली बहन योजना थोड़ी देर से आई है। अगर यही योजना जनवरी में आई होती तो उससे कितना फायदा होता ये लोकसभा चुनाव में ही नजर आ जाता, क्योंकि इसका पहला टेस्ट लोकसभा चुनाव में ही हो जाता। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इस योजना की लाभार्थी महिलाओं को पहली किश्त 15 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के 3 दिन पहले मिलने की संभावना है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि लाभार्थी का कितना लाभ महायुति को मिलता है। यहाँ आपको बता दें, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के लिए अभी तक 44 लाख महिलाएं आवेदन कर चुकी है और इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। यानी कि 44 लाख महिलाओं ने सीधे शिंदे सरकार को सपोर्ट दिया है, ये साफ नजर आ रहा है। अब लाडली बहन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाऊ योजना लागू करके तो विपक्ष की जैसे बोलती ही बंद कर दी है। लाडला भाऊ या लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास लड़कों को 6,000 रूपए और जो बेरोजगार है उसे सरकार 10,000 रूपए देगी। वहीं लाडली बहन योजना के मद्देनजर महिलाओं को 1,500 रूपए दिए जाने का ऐलान हो चुका है। अब बैक टू बैक इन दोनों ही योजनाओं के लागू होने से शिवसेना UBT के नेता संजय राउत बुरी तरह भड़क गए और संजय राउत ने बयान देते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार पर 8 लाख करोड़ का कर्जा है, ये कोई छोटी रकम नहीं है और ऐसे में ऐसी योजनाओं को लागू करके वो महाराष्ट्र को कर्ज के गर्त में लेके जा रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि मध्य प्रदेश की कॉपी करना आसान नहीं है, मध्य प्रदेश कर्जे में नहीं होगा लेकिन महाराष्ट्र बुरी तरह कर्जे में है। लाडली बहन के बाद लाडला भाई योजना लागू तो कर दी लेकिन क्या सरकार लड़कों तक ये पैसा पहुंचा पाएगी या फिर ये सिर्फ कागजी योजना ही बनकर रह जाएगी? संजय राउत ने यहां पर कहा कि हमारी ये मांग है कि लाडली बहन को भी 10,000 रूपए दिए जाए। 1,500 रूपए से उनका घर नहीं चलेगा, किसानों की बेरोजगारी पर रोक नहीं लग पाएगी। इस सरकार का ध्यान किसानों पर नहीं है, वो सिर्फ अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए योजनाओं को लागू कर रहा है। तो कुल मिलाकर संजय राउत योजना के खिलाफ कुछ नहीं कह पाए, बस बेवजह के सवाल वो उठाते रहे। इसी तरीके से उद्धव ठाकरे भी लाडली बहन या लाडला भाऊ योजना के लेकर मीडिया के सवालों से बचते हुए साफ नजर आए, क्योंकि दोनों के पास सिर्फ बोलने को कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर साफ दिख रहा है कि शिंदे सरकार की इस योजना ने सीधे 44 लाख महिलाओं को आकर्षित किया है। 44 लाख महिलाएं इस योजना के तहत आवेदन कर चुकी है और लाडला भाऊ योजना के तहत भी आवेदन शुरू हो चुके हैं जिसका डेटा जल्द ही आ जाएगा। तो साफ हो चुका है कि महायुति को इस योजना का बेहद लाभ मिलने वाला है। अब देखना होगा कि क्या विधानसभा चुनाव में इन दोनों ही योजना से शिंदे सरकार महायुति को लाभ दिला पाएंगे और क्या वाकई में MVA गठबंधन अब संकट में आ चुका है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।